नमस्कार, संस्कृत विजडम चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे निबंध का विषय है आर्यभट्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारतस्य महान ज्योतिषशास्त्र पंडित आसीत। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के ज्योतिष शास्त्र के महान पंडित थे। आधुनिक विज्ञाने आधुनिक गणिते अपि आर्यभट्टस्य योगदानम अस्ति। आर्यभट्ट का आधुनिक विज्ञान और आधुनिक गणित के क्षेत्र में भी योगदान है। आर्यभट्टेन शून्यम इति संख्यायाः विचारः कृतः। आर्यभट्ट ने शून्य इस संख्या के बारे में भी विचार किया। तेन ग्रहणानाम अपि कारणं दत्तं यत् तत्र कारणं राहुः केतुः च इति दानवौ न स्तः। उन्होंने ग्रहणों के कारण भी बताए कि वास्तव में कारण राहु और केतु ये दो राक्षस नहीं है। सह अकथयत यत धरादि ग्रहाः सूर्यं परितः भ्रमन्ति। उन्होंने कहा कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यदा चंद्रः धरायाः सूर्यस्य च मध्ये आगच्छति तदा सूर्यग्रहणं भवति। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्यग्रहण होता है। तथैव यदा धरा सूर्यस्य चंद्रस्य च मध्ये आगच्छति तदा चंद्रग्रहणं भवति। इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्टः तस्य विचारान् तस्य ग्रंथे अलिखत यस्य नाम आर्यभट्टीयम् इति अस्ति। आर्यभट्ट ने अपने विचार एक ग्रंथ में लिखे जिसका नाम आर्यभट्टीय है। आर्यभट्टस्य विज्ञाने महत् योगदानम् अस्ति, अतः भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति अस्ति। आर्यभट्ट का विज्ञान में बहुत योगदान है, इसलिए पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट सत्यमेव भारतस्य वैज्ञानिकेषु गणितज्ञेषु च अग्रगण्यः अस्ति। आर्यभट्ट सत्य में ही भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में अग्रगण्य है। इस वीडियो में हमने आज आर्यभट्ट इस विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना सीखा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।